वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? 2 जनवरी सारी छुट्टियां होती है समाप्त। ये जो 21 तारीख से 1 तारीख तक का पीरियड मिला था, आई थिंक ये गोल्डन पीरियड था इन दोनों फिल्मों के लिए, यानी कि डंकी और सलार के लिए बॉक्स ऑफिस पे फाड़ के कमाई करने के लिए। एंड आज से फिल्मों का जो असली पोटेंशियल है वो पता चलेगा। दोनों फिल्मों ने अपनी जगह जो है अपने आप को सिक्योर कर लिया है, दोनों फिल्में पॉजिटिव्स में आ चुकी है। लेकिन आज के एपिसोड से हम बातें करेंगे अबाउट द हिंदी वर्जन ऑफ बोथ डंकी एंड सलार। डंकी के बारे में बात करते हैं पहले। डंकी एक ऐसी फिल्म जो कि शाहरुख खान 500 करोड़ विद पठान, 500 प्लस करोड़ नेट कलेक्शन की बातें हो रही है, 600 प्लस नेट कलेक्शन जवान देकर आए थे। राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान, उम्मीदें थी कि यह फिल्म बाप लेवल ही कमाई करेगी। एंड मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म भले शुरुआत 28-30 करोड़ की लेगी, लेकिन उसके बाद तो ऐसी फायरिंग होगी बॉक्स ऑफिस पे, एंड स्पेशली जब क्रिसमस आएगा तब जाकर इसमें अपना असली खेल बिखेरना शुरू करेगी। लेकिन क्रिसमस पे मुझे फिल्म ने निराश किया। इतनी उम्मीद थी कमाई करने की, उसने वो कमाई की नहीं। टंकी के पहले दिन इसके पास 15,000 शोज थे, 254 रुपीज का ATP था इसके पास। 28 करोड़ की फिल्म ने ओपनिंग ली थी, यानी कि फर्स्ट डे बेसिकली पकड़ के चलिए देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्लैश। यानी रॉकेट साइंस नहीं लगता बोलने के लिए कि 2023 का बादशाह शाहरुख खान जब पठान और जवान के बाद आता है तो उसकी फिल्म के पास कितना बड़ा अपर हैंड रहता है। आइडियली एवरीवन एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू जस्ट स्मैश सलार आउट ऑफ द पार्क एंड लिटरली उसको उड़ाकर फेंक देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी चीज को हल्का नहीं लेना चाहिए, बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। एंड यहाँ तो डायनासोर रेडी था वेटिंग टू रोर, सलार आया। एंड आज के एपिसोड आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इस क्लैश में क्या हुआ है। देखिए, पूरे क्लैश में वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है डंकी और सलार का। सलार इज वे अहेड। अगर वो 625 में से मैं ऑलमोस्ट 100 भी काट दूं, जो कि काटना नहीं चाहिए क्योंकि इज्जत में फिल्म ने 550 करोड़ तो कमाया ही है, डंकी स्टिल रीलिंग बिहाइंड एट समवेयर अराउंड 400 करोड़। यस, ओवरसीज मार्केट में डंकी इज वे अहेड ऑफ सलार, लेकिन सलार वाज नेवर गोइंग टू वर्क इन द ओवरसीज मार्केट। उस तरह के जॉनर की फिल्म है, ओवरसीज में उतना बिजनेस जो है वो करती ही नहीं है। वो सब डिस्कशन हम वर्ल्ड वाइड एपिसोड जो डिस्कस करते हैं डंकी एंड सलार रिस्पेक्टिवली, वो डिस्कस किया करेंगे। मैं आपको एक हेड जोन दे रहा हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड में डंकी वर्सेस सलार हिंदी वर्जन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। डेली कंपैरिजन होगा इनके शो काउंट का, डेली हिंदी वाइज डेटा आपको बताया जाएगा एग्जैक्टली हिंदी भाषा में ये दोनों फिल्में क्या कमाल कर रही है। तो अपने आप कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि दिस इज गोना बी अ कंपैरिजन फॉर द इंटेलिजेंस। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, अब डंकी का जो है वो 13वां दिन चल रहा है, 13th डे, सलार का 12th डे चल रहा है। सो गाइस, दोनों फिल्मों का है तो 12वां दिन सलार का एंड डंकी का 13वां दिन, लेकिन कलेक्शंस आए हैं सिर्फ 11वें दिन के एंड 12वें दिन के। सलार 11वें दिन पर 8.25 करोड़ कमाकर 124.5 करोड़ पर है। डंकी 12वें दिन पर 9 करोड़ रुपए कमाकर 197.40 करोड़ पर है। सलार ने पहले दिन सिर्फ 7,147 शोज देखे थे। डंकी का दूसरा दिन सलार का पहला दिन था जहां पर डंकी के पास 11,042 शोज थे एंड ATP डंकी का अच्छा खासा 257 शोज था। 28 करोड़ का लीड डंकी ने सलार से पहले दिन ही ले लिया था क्योंकि उसने एक दिन पहले अपनी फिल्म रिलीज की थी, UA रेटिंग थी। पठान जवान के सक्सेस के बाद शाहरुख खान आ रहे थे, वहीं प्रभास वॉज कमिंग आफ्टर द डिजास्ट्रस रिजल्ट ऑफ आदि पुरुष। एंड जिस तरह का नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ नॉर्थ के रिव्यूअर्स ने इस फिल्म को दिया, क्योंकि अननेसेसरी था, टारगेटेड था, उसने इस फिल्म के चलने की उम्मीदों को एकदम खत्म कर दिया। पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि यह फिल्म तो बंडल है, बकवास है, रद्दी है। लेकिन वो कहते हैं ना, कोयले के खदान में कभी कभी हीरा भी मिल जाता है, एंड वही हुआ। ये वो हीरा था जिसको पब्लिक ने कोयले की खदान से निकाला एंड लोगों के मुंह पे कालिक पोत दी जिन्होंने इस फिल्म के खिलाफ बोला। ये फिल्म फाड़ कर कमाई की, इसने अडल्ट सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी यहाँ पर राधे श्याम एंड आदि पुरुष के आने के बाद साहू वाज अ हिट इन द हिंदी वर्जन। प्रभास को वो वापस से मजबूती दी हिंदी वर्जन में जो उसको रिक्वायर्ड था। आज के शो काउंट्स की बारे में बात करें तो यू विल बी इन अ शॉक। आप ये कहोगे कि खो गए हम कहाँ, ये आ गए हम कहाँ, ये कैसा नजारा है, ये कैसा मंजर है, हमने कभी सोचा नहीं था। मुंबई की बात करें तो आज डंकी के पास 541 शोज है, सलार के पास 428 शोज है,
दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें तो डंकी के पास 738 है, सोलार के पास 612 है, बट द मैडनेस बिगिंस टुडे, गेट रेडी फॉर द शॉक। पुणे डंकी 207, सलार 224। ये फिल्म की जीत यहीं पर है, ये कोई रिडेम्पशन एपिसोड या फिर पेबैक एपिसोड नहीं बनाया हूं मैंने, ये एक रियलिटी एपिसोड बनाया हूं मैंने कि जिस तरह का नेगेटिव बस क्रिएट किया गया था सलार के लिए, जिस तरह उसको प्ले डाउन किया गया था रिलीज से पहले के शोज नहीं मिलेंगे, सामने आया तो उड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, मैं भी उसमें, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, द जोक इज ऑन मी ऑल्सो, आई एम द जोकर ऑल्सो इन दिस फुल सिनारियो, ठीक है, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का परसेप्शन क्रिएट किया गया था, सबसे बड़ा ब्लेम मेकर्स को भी जाएगा। हाँ वो अपना क्या गलती से मुंह से मेरा कुछ दूसरा नाम निकल रहा था, शोभू जो प्रोड्यूसर है बाहुबली, अब पहला नाम बोलता ना तुम लोग हंसते थे, शोभू बाहुबली का प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, अनिल थडानी बोल रहा है तुम लोग क्या, तुम लोग को लग रहा है पब्लिक बैठी तुम्हारे ट्रेलर देखने के लिए, पहले ट्रेलर रिलीज करना था, प्रभास आया भी नहीं फिल्म प्रमोट करने के लिए। हाँ अब यहाँ पे फन बिगिंस, अहमदाबाद डंकी 307, सलार 349, सूरत डंकी 158, सलार 211, गैप देखो शोज में, गैप देखो तुम लोग यहाँ पर, भोपाल डंकी 61, सलार 64, लखनऊ डंकी 136, सलार 130, एकदम कट टू कट चल रहा है, भोपाल डंकी 61, सलार 64, दिस इज द करंट सिनारियो। ये फिल्म ने डंकी के बिजनेस को इतना खराब मारा है, इतनी गंदी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्ट किया है, ऑलमोस्ट डंकी का 125 करोड़ मार दिया है, सलार एनीवे इतना ही कमाने वाली थी जब भी आती वो, ठीक है, जितना उसका मेरिट है मैक्स टू मैक्स उतना ही जाती थी, क्योंकि ये पार्ट वन है, यहाँ लोग केजीएफ टू जितना नहीं कमाया, बाहुबली टू जितना नहीं कमाया, अरे जब सलार टू आएगा तब बात करेंगे ना, पुष्पा के वक्त भी लोग बोल रहे थे अरे सब वो देख रहे अपना क्या बोलते एकदम छपरी ऑडियंस देख रही है पुष्पा भट्ट के, अरे उनका क्या वो है, पुष्पा क्या है, सर में दर्द क्या है, जितने लोगों ने कहा था ना पार्ट टू का रिव्यू करना ही नहीं, एक भी यूनिट का रिव्यू नहीं करना पार्ट टू का, अगर अपने जबान के पक्के हो करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आज मालूम है पुष्पा क्या है, केजीएफ वन के टाइम पर भी लोगों ने कहा था ये सब बातें, पुष्पा टू आज बाप है 2024 का, 2024 का बाप बन के आएगा पुष्पा, जब आएगा ना हिंदी वालों को तोड़ के रख देगा दो टुकड़े में, ये बात याद रखना तुम लोग, सलार टू आएगी ना तब हम बात करेंगे कलेक्शंस के बारे में, तो फिलहाल अभी शो काउंट इस तरह से चल रहा है, एंड बैंगलोर में 192 शो डंकी है तो 115 शो यहाँ पर सलार चल रहा है, इतना ही नहीं इस बात करूं यहाँ पे जयपुर की डंकी 120 है, सलार 107 है, एकदम कट टू कट चल रहा है, आज से पता चलेगा कल से कौन आगे जाता है, आज से दूध का दूध और पानी का पानी होगा फिल्मों का लेकर, क्योंकि चंडीगढ़ में 108 शोज डंकी है तो 84 सलार है, डंकी के बाद सलार ने हिंदी में रिलीज करके अपना काम कर दिया है, डंकी भले या 200 करोड़ होगा हिंदी कलेक्शन, सलार भी 130 करोड़ जो है 28 करोड़ का पहले दिन का उसके पास डेफिसिट है, क्योंकि एक दिन पहले रिलीज हुआ था, डंकी हैज डन इट वर्क, मैं यह एपिसोड इसीलिए बनाया हूँ, सलार हैज डन इट्स वर्क, मैं इसीलिए एपिसोड बनाया था कि सलार को उसका ड्यू क्रेडिट मिले कि उसने हिंदी वर्जन में क्या तहलका मचाया है, क्रेडिट दो जहां जरूरत है, मत छीनो एक फिल्म से उसकी सफलता को, एंड डंकी ऑब्वियसली जिस तरह का थीम है उस फिल्म का, जिस तरह का कंटेंट है, आज के जमाने में ऐसी फिल्म बनाने के लिए दम चाहिए जो राजकुमार हिरानी ने बनाया, एंड ऑडियंस चेंज होती है, ऑडियंस इवॉल्व होती है, हमने ये लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर भी देखा था, इतनी बेहतरीन फिल्म थी, ऑडियंस ने उसको कुचल कर रोंग दिया था, पैरों के तले चलने का मौका ही नहीं दिया था उस फिल्म को, चलो शाहरुख खान के स्टारडम ने एंड गुडविल ने या डंकी को यहाँ तक तो पहुंचा दिया, वही अपने आप में एक उपलब्धि है, ये कोई झगड़े वाला व्लॉग, ये कोई इसको मार इसको पीट का वीडियो ये नहीं था, ये एक सेंसिबल डिस्कशन था, जो लोग समझने वाले वो समझ चुके होंगे, और जो लोग नहीं समझने वाले हैं वो मैंने आपको कल ही रात को सलार के वीडियो में बता दिया है गाइस यहाँ पर, ओके साइनिंग ऑफ यू वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज सेफ स्टे कूल मैन।